Recently, we will discuss the first part from your poem, The Road Not Taken, which is taken from your book Bihari. And now we will discuss the second part of your poem, The Road Not Taken. In this part, we will discuss the next sentenza and literary devices. And you can only write down the literary devices and other important question answers that is already marked on your notes, and you will prepare all these literary devices and important questions for the further examination. Let's begin with your second part of your poem, The Road Not Taken. In part one, we all are already discuss the summary theme and the main idea of the poem, The Road Not Taken. In this part two, we will discuss the next explanations and poetic devices, literary devices, and important question answer. So let's begin with the third explanation. In the third explanation, the poet says, "And looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth." तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो poet क्या explain करने की कोशिश कर रहा है? The poet looked down one of the road as far as his vision could reach. तो poet जब वो road के सामने खड़े हो जाता है, दो रास्ते उसके सामने होते हैं, तो वहाँ पर वो खड़े होकर दूर तक देखता है कि road में आगे क्या है, नीचे थोड़ा सा बेंड होकर. He could see only as far as the path took a bend at the thick and undergrowth. तो वो क्या देखता है कि दूर तक दोनों साइड पर रोड के जो है छोटी छोटी जो है वो घास उगी हुई है, अंडरग्रोथ. इट मीन्स कि अंडरग्रोथ क्या है? वही छोटी छोटी घास उगी हुई है, अभी तक उनकी ग्रोथ नहीं हुई. एज दिस पॉइंट, लेट अस थिंक अबाउट द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द पॉइम. तो इसी में मेटाफोरिकल एक मीनिंग भी बताया हुआ. मेटाफोरिकल क्या होता है? मेटाफर क्या होता है? जैसे किसी एक सब्जेक्ट से जो है दो चीज़ों के बारे में पता चलता हो, तो उसको हम उस सब्जेक्ट को फिर हम मेटाफर कहेंगे. जैसे रोड, रोड क्या है? रोड को दो चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया है. एक रोड अच्छा भी हो सकता है, एक रोड बुरा भी हो सकता है. जैसे लाइफ के आगे दो रास्ते होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना होता है. तो इसलिए रोड यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है. तो इसके बारे में हम आगे भी लिटरेरी डिवाइस में भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए, लेट अस अज्यूम द रोड रिप्रेजेंट डिसीजंस वी मेक एंड द फॉक रिप्रेजेंट द चॉइस वी हैव इन लाइफ एंड द अंडरग्रोथ Uncertains in life. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि वो जो राइट पॉइंट होता है वो रास्ते पर क्या देखता है. सबसे पहले वो रोड की कंडीशन देखता है. वो तो वहाँ पर खड़ा होकर वो डिसीजन लेता है. एक रोड के ऊपर कांटे हैं, फ्रॉक जैसे मैंने बताया कांटों को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी तरफ क्या है? अंडरग्रोथ है, और वहाँ पर अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई है. तो आप लोगों को चूज़ करना है लाइफ का कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है. वो रोड आपको एक आपको इंस्पिरेशन दे रहा है. The poet is at the crossroad of his life and not on an actual road. तो यहाँ पर क्या है? रोड क्या बताया हुआ है? उसको रोड को लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है. He could be trying to see further ahead into the future but is unable to, so he has to be cautious in his choice. तो ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपको एक रास्ता आप चूज़ कर लेते हो तो फ्यूचर में आपको वहाँ से वापस आना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए राइट पाथ को चूज़ करते समय हमेशा ही सुचेत रहना चाहिए. थर्ड, फोर्थ देखिए, फोर्थ एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. तो क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट मेक्स हिज डिसीजन सिंस बोथ द पाथ सीम्स टू बी सिमिलर. जब कोई दो रास्ते आपको एक जैसे दिखाई देते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है वो राइट पाथ ही चूज़ करना होता है. वो आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है. ही विल टेक द अदर, दूसरा रास्ता भी आप ले सकते हो. द पॉइंट सेज जस्ट एज फार
not fairer, so we may assume the road are similar in appearance. इसीलिए लाइफ में क्या होता है कि जो मुश्किलें होती हैं वो आपको देखने में सिमिलर ही लगती हैं. देखने में कोई दो फील्ड एक जैसी हो सकती हैं, पर उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो अलग अलग हो सकते हैं. बोथ द रोड्स आर इक्वली गुड, सो द चॉइस में आल्सो बी इक्वली गुड. आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो रास्ते हैं वो सही हों, इक्वल गुड हों. सो द चॉइस में आल्सो बी इक्वल गुड. तो आपकी जो चॉइस है वो भी आपको इस आइडिया को ध्यान में रखकर करनी है. नेक्स्ट है फिफ्थ पैराग्राफ में देखिए, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है. इन दीज लाइन्स द पॉइंट जस्टिफाई हिज चॉइस एज अ पाथ इज ग्रासी. तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपका पाथ जो है वो ग्रासी है, इट मीन्स कि उसमें कोई भी नहीं चला हुआ. ग्रासी इट मीन्स कि डिफ़िकल्ट रास्ते को ग्लोरीफाई किया गया है. एंड नॉट मच वॉक्ड ऑन बाई ट्रैवलर, और उस रास्ते के ऊपर ज़्यादा जो लोग नहीं जाते. क्यों नहीं जाते? बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ दैट पाथ. देयरफॉर दिस रोड नीडेड टू बी यूज्ड एंड वर्न आउट टू. इसीलिए क्या होता है, देयरफॉर दिस रोड नीडेड टू बी, इसलिए वो रास्ता जो क्या कहता है कि वही रास्ता बोलता है कि आप लोगों को उस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए. बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट रास्ता जो है वो इंटेलिजेंट और जो स्ट्रेंथ वाले पीपल होते हैं वही हमेशा चूज़ करते हैं, जिनमें एक पोटेंशियल हो, जिनमें एक एबिलिटी हो उस रास्ते के ऊपर चलने की. सिक्स पैराग्राफ देखिए, थो एज फार देर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. तो यहाँ पर सिक्स जो आपकी पैराग्राफ है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है. ऑन सेकेंड थाट द स्पीकर फील्स दैट मे बी बोथ द रोड सीम्ड लेस वॉक्ड ऑन. तो थोड़ी देर के बाद उसको क्या लगता है कि दोनों जो रास्ते हैं, दोनों रास्ते के ऊपर जो है वो बहुत कम लोग जो है वो गए हुए हैं. एज फॉर दैट रेफर टू द पाथ लेस वॉक्ड ऑन. तो वो फिर कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं जिसके ऊपर जो है वो ज़्यादा लोग बिल्कुल भी नहीं गए और रास्ता जो है एकदम से बिल्कुल साफ है, उसके ऊपर घास उगी हुई है. जैसे आपने देखा होगा कि जो जिस रास्ते के ऊपर लोग चलते हैं नेचुरली वो घास वहाँ से उखड़ जाती है, रास्ता साफ हो जाता है. तो वो कौन सा रास्ता चूज़ करता है जहाँ पर हल्की हल्की घास होती है. इट मीन्स कि वहाँ पर कोई भी नहीं चला. हेयर द पॉइंट इज़ अगेन एक्सप्रेसिंग द कन्फेशन दैट गोज ऑन His mind to make the final choice. तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर खड़ा होकर वो एक्सप्रेस कर रहा है, कन्फेस कर रहा है दो रास्तों के बीच में, अपना दिमाग लगा रहा है कि कौन सा रास्ता हमें फाइनली चूज़ करना है. कौन? जो आपका पॉइंट है. The hesitation in taking a decision, उसको जो रास्ता चूज़ करने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है. As the prospect offered by the रीडिंग इधर ऑफ द रोड सीम टू बी सिमिलर. और ऐसा भी है कि रोड दोनों देखने में क्या है, उसको जब वो दूर तक देखता है तो दोनों रोड जो है वो उसको सिमिलर ही लग रहे हैं. सेवन देखिए, सेवन्थ पैराग्राफ. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक. यहाँ पर ट्रोडन क्या होता है, जैसे ट्रोडन होता है कि जैसे आप पत्तों के ऊपर चलते हैं या घास के ऊपर चलते हैं तो उसका जो कलर वो बदल जाता है, उसको हम ट्रोडन बोलते हैं. एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, वंस अगेन द पॉइंट सेज द रोड सीम्ड इक्वल बट विद अ डिफरेंस. तो वो थोड़ी देर के बाद जब वो एक रास्ता चूज करता है, उसके ऊपर चलता है, तो थोड़ी देर के बाद वो देखता है बट विद डिफरेंस. उसको क्या डिफरेंस जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है. द स्पीकर गिव्स अस अ न्यू इन्फॉर्मेशन. उसको एक न्यू इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी मिलती है वहाँ पर चलते चलते, दैट इट इज़ मॉर्निंग, सुबह का वक्त है. एंड दैट बोथ द रोड सीम्ड कवर्ड विद फॉलन लीव्स विद लीव्स एंड दैट नो ट्रैवलर हैज़ वॉक्ड द वे. उसको क्या लगता है कि दोनों जो रास्ते एक जैसे लग रहे हैं और सुबह का वक्त है और दोनों रास्तों के ऊपर जो कोई भी आदमी नहीं चला, दोनों के ऊपर हल्की हल्की घासों को आगे जाकर दिखाई देती है. ही कम्स टू दिस कंक्लूजन बिकॉज द फॉलन लीव्स आर नॉट क्रश्ड बाय द फूट स्टेप्स एंड दस नॉट डार्कन्ड. उसको ऐसा कब महसूस होता है, जब वो देखता है कि यहाँ पर वो पत्ते गिरे हुए हैं उनके ऊपर जो है वो किसी के पैर नहीं गए हुए और वो क्रश नहीं हुए हैं पत्ते, किसी ने भी पत्तों को पैरों से दबाया नहीं है. तो वो रास्ता क्या है, वो पत्ते क्या है, पैरों के से डार्क भी नहीं हो रखे हैं. द मॉर्निंग मे आल्सो बी एनालाइज एज द पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड रियलाइज दैट देर इज़ नो चेंज
विद रिगार्ड टू द क्लैरिटी इन द सिचुएशन. तो जब वो ऐसी सिचुएशन देखता है तो उसको जब क्लियर हो जाता है कि उसको आगे क्या डिसीजन लेना होता है. इट कंटेंडेड टू बी एज कन्फ्यूज एज इट वॉज अर्लियर. तो बट उसका ये जो डिसीजन था, उसको ये डिसीजन लेने में अभी काफ़ी देर हो चुकी है. क्यों? क्योंकि वो एक रास्ते के ऊपर चल चुका है. एट्थ पैराग्राफ देखिए. ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो पॉइंट क्या सोचता है एट्थ पैराग्राफ में. द पॉइंट सीम्स टू बी regretting his decision already. तो जो पॉइंट होता है उसको बहुत ही अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट होती है. वो दोषी अनुभव करता है कि मुझे ये जो पाथ नहीं चूज करना चाहिए था, बट अब वो उस पाथ के ऊपर चल चुका है. द सेंटेंस इज एम्पैथिक एज इट स्टार्ट विद ओ एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन. तो वो क्या है, जब वो चलता है तो चलने के बाद वो हैरान हो जाता है, एक्सक्लेमेशन हो जाता है, जैसे हैरानी का जैसे उसको अभाव होता है. ही स्ट्रॉन्गली फील्स दैट ही वुड टेक द अदर रोड टू नो व्हाट इट हैड इट स्टोर सिंस द ऑलरेडी न्यू व्हाट वाज ऑन द रोड टेकन. तो उसको होता है कि वो दूसरे रास्ते के ऊपर चले, शायद दूसरे रास्ते के ऊपर उसको कुछ और स्टोर किया हुआ कुछ और उसको मिल जाए, बट वो ऐसा अब नहीं कर पाता. मेटाफोरिकली इन लाइफ वी री थिंक अबाउट अवर चॉइसेस. अब मेटाफोरिकली क्या है कि हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है वो बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी टू रिवर्ट बैक द क्लॉक. जैसे घड़ी का जो समय है वो एक जैसा चलता रहता है, राइट साइड समय निकल जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आता. उसी तरह से अगर आप लाइफ में एक रास्ता लेकर चलते हो तो वो रास्ते से वापस आना मुश्किल हो जाता है. एज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. और समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता. नाइन्थ पैराग्राफ देखिए. येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डॉटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. तो यहाँ पर क्या पॉइंट कहना चाहता है, द पॉइंट रियलाइजेज ही मे नेवर बी एबल टू रिटर्न टू टेक द रोड नॉट टेकन. तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं कभी भी वापस उस दूसरे रास्ते के ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने एक रास्ता पहले से ही ले लिया है, उसके ऊपर रिटर्न वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. फॉर ही अंडरस्टैंड दैट इन द जर्नी ऑफ लाइफ वी मे कम अक्रॉस मैनी क्रॉस रोड्स फ्रॉक्स एंड मेक फ्रेश डिसीजन एंड चॉइसेस. तो उसी तरह से वो फिर सिंबलाइज कर रहा है कि हमें लाइफ में, लाइफ की जर्नी में भी क्या करना चाहिए, बहुत सारी हमारे पास चॉइसेस आती हैं, क्रॉस रोड्स आते हैं, बहुत सारे कांटे आते हैं रास्तों में, और तब हमें जो है वो फ्रेश डिसीजन लेना चाहिए, अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, अपनी पसंद को राइट वे में, राइट पाथ में आगे फॉरवर्ड करना चाहिए. सो इन ऑल प्रैक्टिकली इट मे नॉट बी फैसिबल टू स्टार्ट अफ्रेश स्पेशली इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम जिस रास्ते के ऊपर चलते हैं वही जो फिर हमें अपनी लाइफ में चूज़ करना होता है और उसमें सक्सेस होना होता है. बट लेटर बाद में अगर हम सोचें कि वापस फिर आने के बाद हम कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर लें ज़िंदगी में, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता. आपकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो सकती है. टेंथ देखिए. आई शैल बी टेलिंग दिस विद स्ला Somewhere ages and ages hence. Next tenth paragraph में explanation आता है. This sentence is entirely written in future tense I shall. तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, future के बारे में फिर वो सोचता है. यहाँ पर sigh sigh लिखा हुआ है. सा इट मीन्स जब हम डीप, इट मीन्स डीप ब्रेथ, जब हम लंबी सांस लेते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है. तो future के बारे में सोच रहा है. Here the poet hopes to talk of the decision taken years later with a sigh. तो वो जब रास्ते के ऊपर चलता है, चलने के बाद फिर से उसके दिमाग में आता है कि काश मैं दोबारा से वापस जा पाता, कुछ साल वापस जाने के बाद मैं फिर दोबारा से दूसरे रास्ते के ऊपर चल पाता. द साइट मे बी सैड. तो अब क्या है, वो ये सब सोच के बहुत उदास हो रहा है. हैप्पी और रिफ्लेक्टिव. वट एवर इट बी, इट वुड डेफिनेटली हैव मेड अ डिफरेंट इन हिज लाइफ. तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, ये जो आपके चॉइसेस होते हैं लाइफ में वो आपको खुशी भी दे सकते हैं, आपको उदास भी कर सकते हैं, और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं. वाट एवर इट बी, जो कुछ भी आप जो है अपनी लाइफ में चूज़ करते हो, इट वुड डेफिनेटली हैव मेड ए डिफरेंट इन हिज लाइफ. इसलिए डेफिनेटली ये तो बिल्कुल श्योर है कि वो जो डिसीजन है आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई ना कोई जो इम्पैक्ट, कोई ना कोई असर ज़रूर डालेगा. इसलिए अच्छा है कि हमें जो है पॉजिटिव डिसीजन लेने के बाद एक राइट वे में आगे बढ़ना चाहिए.
नेक्स्ट 11th पैराग्राफ देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई. यहाँ पर देखिए क्या एक्सप्लेन किया है, दिस लाइन इज अ रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन. ये जो रोड है पहले, ये जो लाइन है ये पहली लाइन में भी आई थी और अभी भी आ रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर रेपिटेशन एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है. दिस लाइन इज रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन विद द एक्सक्लूशन ऑफ येलो एंड इंक्लून ऑफ एंड आई विद द डैश. द एंड आई डैश शोज द स्पीकर इज हेजिटेट ऑफ द फ्यूचर. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आई लिखने के बाद डैश डाला हुआ है, इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा क्या है, क्या हो रहा है, हेजिटेट कर रहा है. हेजिटेट किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसने जो लाइफ में जो रास्ता है वो गलत चूज़ कर लिया है, उसको वहाँ पर राइट वे में अपना काम करना चाहिए था, राइट वे में उसको सोचना चाहिए था. एक्सप्रेशन ऑफ येलो एंड इंक्लूजन ऑफ एंड आई, यहाँ पर जो पत्ते हैं जो येलो कलर के थे पहले उसको भी बताया गया है. Shows the speaker hesitates of the future. तो future के बारे में सोचकर अब वो घबरा रहा है. The repetition helps to bring the poem to a close. तो यहाँ पर poem में क्या बताया हुआ है, repetition किस लिए use की हुई है, कि अब वो उसका जो दूसरा रास्ता था वो उसके लिए बंद हो चुका है, अब वो वापस उसके ऊपर नहीं आ सकता. Last paragraph में देखिए, उसके बाद हम discuss करेंगे आपके literary devices. I took the one less travelled by and that has made all the difference. तो यहाँ पर देखिए poet क्या कहना चाहता है, here the poet confidently informs of his decision. तो यहाँ पर last में वही बार बार poet बता रहा है कि हमें life में जो decision लेने हैं वो बिल्कुल confident होकर लेने हैं. He had dared to take the road that many phrase to ट्रेड. तो जैसे ज़िंदगी में, जैसे पॉइंट में रोड को बताया हुआ है कि रोड आप अपनी मर्जी चूज़ कर सकते हो, और उसी तरह से लाइफ में भी आपको फेयर्ड और बिना डरे जो है अपने रास्ते जो चूज़ करने चाहिए. दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट द पॉइंट वाज एडवेंचरस ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट. और इसे क्या पता चलता है कि जो पॉइंट आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही एडवेंचरस है, इसको जो है वो एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे जंगलों में जाता है, नेचर लवर है और आज़ाद ख्याल का है, इंडिपेंडेंट सोच है इसको जो है वो, किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सोच का सोच को हमेशा ही आगे रखता है. हाउएवर द कंक्लूडिंग लाइन गिव अस अ फीलिंग दैट द चॉइस ही टुक हैज़ डिफरेंटली मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन हिज लाइफ. तो इस तरह से लास्ट में यही कंक्लूड किया हुआ है कि इस पॉइंट में जो आपके डिसीजन है वो हमेशा ही फेयर होने चाहिए, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, इम्पैक्ट इन हिज लाइफ. तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको आपके नोटबुक के ऊपर आज का होमवर्क है आपका, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, एक्चुअली में पोएटिक डिवाइसेस होते हैं कि आपकी जो पोइम होती है उसको जो है उसको लिखने की एक टेक्निक होती है. तो वो टेक्निक अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे मेटाफर दिया है, एनाफोरा दिया है, पर्सोनिफिकेशन दिया है, एंथीसिस दिया हुआ है, एलिट्रेशन दिया है, इमेजरी, यहाँ पर इमेजरी दिया हुआ है और एंजैमेंट. ये जो पोएटिक डिवाइस है आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं. पहले मैंने आपको बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं. सबसे पहले देखिए मेटाफर क्या होता है. मेटाफर यहाँ पर क्या बताया हुआ है, द पोएम एज अ होल इज अ मेटाफर बिकॉज द पोएट इज मेटाफोरिकली कंपेयर द रोड इन द वुड टू द चॉइस वन मस्ट टेक इन लाइफ. यहाँ पर क्या मैंने बताया था, जैसे रोड है वो रोड दो अलग अलग रास्ते, अच्छा और बुरा रास्ता, दोनों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. इट मीन्स कि किसी एक सब्जेक्ट से अगर कोई दो चीज़ों के बारे में पता चल रहा हो तो उसको हम मेटाफर कहते हैं. तो यहाँ पर रोड को मेटाफर चूज किया गया है. द पॉइंट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए ट्रैवलर. और यहाँ पर ये पॉइंट है अपने आप को क्या बोल रहा है, एक यात्री समझ रहा है. द रोड इज़ अ मेटाफर फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ. इसी तरह से जो रोड है वो लाइफ के लिए क्या है, एक मेटाफर है. क्यों, क्योंकि रोड जो है वो दो रास्तों की तरफ जो है वो बता रहा है, अच्छा और बुरा. द अंडरग्रोथ एट द एंड ऑफ द रोड नॉट टेकन सिम्बोलाइजेज द ऑब्स्टेकल. यहाँ पर जो अंडरग्रोथ है, अंडरग्रोथ क्या है, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, फ्रॉक्स हैं, कांटे हैं, वो किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल को, जो लाइफ में आगे आपके मुश्किलें आती हैं उनको बताया गया है. द ग्रासी रोड इंडिकेटेड नॉट मैनी पीपल हैड चूजन दैट काइंड ऑफ रोड. जो ग्रासी रोड है, जो रास्ते के ऊपर हल्का हल्का घास है, वो क्या बता रहा है कि वो एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर लोग बहुत कम गए हुए हैं. इट मीन्स कि जो डिफ़िकल्ट पाथ होता है, डिफ़िकल्ट जो रास्ता होता है, वो लोग कम चूज़ करते हैं.
द होल पोइम इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ लाइफ. इस तरह से क्या है कि सारी की सारी पोइम जो है वो उसमें बहुत सारे आपको मेटाफर जो वर्ड्स हैं, मेटाफोरिकल वर्ड्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो आपको आगे देखने को मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइन वन है. लाइन वन में देखिए, टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो वुड. यहाँ पर टू रोड क्या है, मेटाफर है. इस मेटाफर वे टू रोड्स आर इम्प्लीकेटली कंपेयर्ड विद द वेज ऑफ लाइफ. इस मेटाफर कैसे है कि एक रास्ता अच्छे और बुरे, एक रास्ता जो एक रोड है, अच्छे और बुरे रास्ते, ये दो रास्ते हो गए, उनको जो है वो बता रहा है. इट मीन्स कि ये रोड मेटाफर है. आगे देखिए एनापोरा. एनापोरा क्या होता है, एनापोरा एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. यहाँ पर देखिए एनाफोरा क्या है, देखिए लाइन थ्री एंड लाइन फोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनाफोरा एज द लाइन बिगेन विद द सेम वर्ड. इसको ध्यान से समझना है कि एनाफोरा क्या होता है. जैसे दोनों लाइन है, लाइन नंबर थ्री और लाइन नंबर फोर में एंड, और फोर में भी एंड दिया हुआ है. इट मीन्स जो दोनों लाइनें हैं एंड और एंड से शुरू हो रही हैं, इट मीन्स कि ये क्या है, एनाफोरा. पॉइंट में अगर कोई दो या तीन लाइनें, तीन लाइनों का फर्स्ट वर्ड एक जैसा हो तो इट मीन्स उस पॉइंट में एनाफोरा है, उसे हम एनाफोरा बोलते हैं. नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. पर्सोनिफिकेशन के बारे में क्या होता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर द ग्रासी पाथ वॉन्टेड वेयर द वेटिंग इज अ ह्यूमन नीड. पर्सोनिफिकेशन क्या बताया हुआ है, जैसे ग्रासी वे क्या है, ग्रासी वे को सिम्बलाइज किया है कि जैसे वो डिफ़िकल्ट पाथ होता है उसको ग्रासी वे बताया गया है. इस तरह से पॉइट ने इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ जोड़ा हुआ है. तो इस तरह से अगर कुछ भी इमेजिनेशन थिंग्स को रियलिटी के साथ जोड़ा गया हो तो इट मीन्स वहाँ पर पॉइट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है और उसको अपने ढंग से उसको बताने की कोशिश की गई है. नेक्स्ट देखिए एंटीथीसिस क्या होता है. एंटीथीसिस होता है कि जैसे एंटीथीसिस इट मीन्स कि ऑपोजिट. जैसे लिखा हुआ है लाइन टू में, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. पहले पॉइंट बोल रहा है कि मुझे माफ़ करना कि मैं दोनों रास्तों के ऊपर नहीं चल सकता, एक साथ नहीं चल सकता. इन दिस लाइन देर इज़ अ सेंस ऑफ एंटीथीसिस एज द पॉइंट फर्स्ट थॉट ऑफ ट्रैवलिंग बोथ द रोड्स एंड देन डिस्कार्डेड द आइडिया. तो एंटीथीसिस कैसे हुआ पॉइंट, पहले तो वो दोनों रोड के ऊपर जाने की बात करता है, बट बाद में जब वो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है तो वहाँ से फिर उसके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है. तो एक तरफ वो बोलता है कि दोनों रास्ते के ऊपर मैं जाऊँगा और दूसरी तरफ बोलता है कि मैं दोनों रास्ते के ऊपर नहीं जा सकता. इट मीन्स वहाँ पर एंटीथीसिस लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, ऑपोजिट है दोनों इनके जो डिसीजन हैं, तो उसको हम एंटीथीसिस बोलते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट कोई बात कहनी. जैसे लाइन नाइन्थ में भी लिखा हुआ है, थो एज फॉर that the passing there, line 10 में भी, had warned them really about the same. This is an example of antithesis. First the poet finds the first road to be the more traveled one, but then he says that both the roads are equally traveled. पहले उसको क्या लगता है, पहले उसको लगता है कि दोनों जो रास्ते हैं, दोनों रास्ते के ऊपर ट्रैवलर कोई भी ट्रैवलर नहीं गया हुआ, और बाद में फिर वो सोचता है कि नहीं, दोनों रास्ते जो सेम हैं, दोनों रास्ते के ऊपर कोई ना कोई चला हुआ है. तो ये भी एक एग्जांपल है आपके एंटीथीसिस की. नेक्स्ट देखिए जो लाइन 30 है वहाँ पर भी यही एग्जाम्पल दी गई है, और लाइन 50 में भी उसको जो है एंटीथीसिस बताया हुआ है. 70 देखिए एलिट्रेशन क्या होती है. एलिट्रेशन आपको एग्जाम्पल में पता चल जाएगा. लाइन 70 में देखिए, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. हियर देखिए एजेस एंड एजेस इन एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. जब कभी भी एक लाइन में कोई दो वर्ड रिपीट किए गए हों, एजेस एंड एजेस, तो इट मीन्स वो क्या है, एलिट्रेशन है. नेक्स्ट इमेजरी को विजुअल इमेजरी भी बोलते हैं. विजुअल इमेजरी क्या होती है, टू रोड्स डाइवर्ट इन ए येलो वुड. दो रास्ते जो हैं, एक रास्ता है जो आगे जाकर दो रास्तों में डिवाइड हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, वो पीले जंगलों में जा रहा है. ए पिक्चर ऑफ द वुडन कवर्ड विद येलो लीव्स इज क्रिएटेड इन द माइंड. तो अब हमारे दिमाग में क्या हो रहा है कि एक जंगल है जिस जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और वहाँ पर पत्ते जो रंग बिरंगे पत्ते हैं येलो कलर के, इस तरह से एक दिमाग में एक इमेज सेट करना,
जब आप पोएम को पढ़ते हैं, जब आपको कोई पोएम एक्सप्लेन करता है, तो होता क्या है कि वो जो पोएम की एक विजुलाइजेशन आपके दिमाग में एक इमेज बननी शुरू हो जाती है। तो उस तरह से पोएट ने यहाँ पर एक विजुअल इमेजरी, इसको हम बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस, उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे लाइन में लिखा हुआ है, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स, है ना, रास्ते के बारे में बताया हुआ है, जंगल के बारे में बताया हुआ है। तो हमारे दिमाग में जैसी इमेज बनती है तो उसको हम विजुअल इमेजरी कहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जैसे लिखा हुआ है कि सुबह का वक्त था, दोनों रास्ते दिखाई दे रहे, ये भी आपके दिमाग में फिर वो एक इमेज बननी शुरू हो जाती है, ये भी एक एग्जाम्पल है इमेजरी की। और नेक्स्ट लाइन वो भी इसी तरह से सेम विजुअल इमेजरी के बारे में बताया गया है। एनजैबमेंट लास्ट देखिए, आपका लिटरेरी डिवाइस होता है एनजैबमेंट। एनजैबमेंट क्या होता है, द वर्ड ई इज यूज फॉर क्रिएटिंग सस्पेंस और टू कंटिन्यू अ सेंटेंस दैट माइट प्रूव मोर इफेक्टिव इन अ सेपरेट लाइन। एनजैबमेंट क्या होता है, एनजैबमेंट किसी भी पॉइंट में ज़्यादा जो है वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन क्या, इट मीन्स कि कोई रास्ता जिसको पार नहीं करना, कोई रास्ता नहीं लेना। तो क्यों नहीं लेना, तो ये एक सस्पेंस है, अभी उसके बारे में नहीं बताया गया, तो वो भी क्या है, एक एनजैबमेंट है। अगर इस तरह से कोई लाइन पॉइंट यूज़ करता है जिसके बारे में एक्सप्लेन साथ में नहीं करता, उसके बारे में कोई सस्पेंस रहता है, तो उसको भी एंजॉयमेंट कहा जाता है। द नो नोट टेकन ऑल द लास्ट वर्ड इन द लाइन एक्सेप्ट एंड आई, तो आई को छोड़कर, एंड को छोड़कर उसमें कुछ भी नहीं बताया जाता, उसको हम एंजॉयमेंट बोलते हैं सस्पेंस बताने के लिए। तो इसकी जो राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम इसकी होती है ए बी ए बी, और राइम स्कीम के बारे में मैंने एक आपको पहले ऑलरेडी ही बताया हुआ है कि राइम स्कीम कैसे बनाते हैं। तो फिर भी राइम स्कीम के बारे में मैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर दो लाइनें हैं, चार लाइनें हैं, चार लाइनों में अगर कोई सिमिलर वर्ड आता है तो उसको हम ए ए देकर, उसी तरह से कोई दूसरा वर्ड सिमिलर आता है उसको बी बी देकर, इस तरह से हम राइम बना सकते हैं। तो आप लोग खुद जो फर्स्ट इसका सेंटेंस है उसकी राइम बनाएं, और राइम बनाने के बाद मुझे दिखाएं, तो हम चेक करेंगे कि आप जो है एबल हो गए हो राइम स्कीम के बारे में, और राइम स्कीम के बारे में साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपका क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट। आई होप यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस पॉइंट। एंड लिटरेरी डिवाइसेस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स दैट हेल्प्स टू राइट पॉइंट in future if you participate in writing competition, and naturally these literary devices help you, and these literary devices you must write down on your notebook for your further exam. Now we will meet in your next lecture. Till then, take care, stay safe at your home. Thank you.